मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, बहुत समय से आप दर्शकों की तरफ से ये मांग आ रही थी कि आपको नए साल का यानी साल 2020 का लाल किताब के हिसाब से भी राशिफल उपलब्ध कराया जाए। हम लोगों ने लगातार आपको समय समय पर आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। हम लोगों ने समय से पहले आपको साल 2020 का राशिफल उपलब्ध करा दिया था, लेकिन उसके बाद आप लोगों में से बहुत सारे दर्शकों की ये मांग आई ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, कि लाल किताब के हिसाब से भी हमारी राशिफल की स्थिति क्या बनती है। एक तो उसका वर्षफल, भविष्यफल भी बताया जाए 2020 में राशियों का क्या क्या रुझान रहने वाला है लाल किताब के हिसाब से, और साल को बेहतर बनाने के लिए लाल किताब के उपाय भी आप हमें उपलब्ध कराइए। तो आज इस विशेष एपिसोड में हम आपको लाल किताब के हिसाब से आपका साल कैसा रहेगा, राशियों के हिसाब से अलग अलग राशियों का वो भी बताएंगे, और साथ में आपको अपनी राशि को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए उस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लाल किताब राशिफल के क्रम में हम लोग बात करेंगे अब कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस साल आपकी रुचि धर्म संबंधी कार्य में रहने वाली है। आपके जीवन साथी के सुझाव आपकी आर्थिक स्थिति को फायदा पहुंचाने में बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका रुझान मनोविज्ञान, रेकी चिकित्सा, आध्यात्मिकता और प्रेरणात्मक संवाद में रहने वाला है, और इन्हीं क्षेत्रों में आप नाम और पैसा दोनों कमा सकते हैं। सीमेंट और लोहे के व्यापारियों को कोई बड़ा फायदा मिले ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती है। शेयर बाजार में बहुत ही सोच समझ करके आपको निवेश करना चाहिए, अन्यथा बड़ा नुकसान होने की संभावना भी आपके लिए बन रही है। विद्युत उत्पादों के व्यापार में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बिजनेस में लोग हैं कुंभ राशि वाले, उनको बड़ा नुकसान हो ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं बहुत ही सोच समझ करके करें और बहुत ही कैलकुलेटिव आपको रिस्क लेना चाहिए। इस समय आप यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। आपको एक बेहतर नौकरी के साथ साथ कम काम और बढ़िया सैलरी का ऑफर भी मिल सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए इस वर्ष परिस्थितियां आपके पक्ष में आती दिखाई देती हैं। पारिवारिक सुख की दृष्टि से यह वर्ष आपके लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। नए वाहन की खरीदारी भी हो सकती है। जुलाई के उपरांत छोटी दूरी और व्यक्तिगत यात्राएं आप में प्राण और उत्साह डाल देंगी। आपकी राशि के स्वामी को बृहस्पति का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। किसी भी किस्म की गलतफहमी सहजता से आपकी बातचीत द्वारा हल हो जाएगी। विदेश से संबंधित कार्यों में संपर्कों से लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि में आशा से अधिक सुधार आपको प्रसन्नता देगा। फरवरी से पुराने अटके हुए धन की वसूली शुरू होने के आसार आपके लिए बन रहे हैं। भूमि, भवन, जायदाद यानी प्रॉपर्टी के सौदों से धन अर्जित करने में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्य हेतु यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। ये यात्राएं करियर में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगी। नई नौकरी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ऐसे जातक लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण बना करके रखना होगा, यानी पॉजिटिव रहना होगा। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा सहकर्मियों के संग अच्छा तालमेल बिठा पाएंगे। आपके प्रयासों और कला कौशल को वरिष्ठ अधिकारी बहुत सराहना देंगे। शमी के वृक्ष को लगा करके उसको जल अर्पित करते रहें, या घर के आसपास कहीं शमी का वृक्ष है तो उसकी सेवा आपको नियम पर समय समय पर करते रहना चाहिए। चांदी के ग्लास में ही आपको पानी पीना चाहिए। प्रत्येक शनिवार जो है लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर करके अपना चेहरा देख करके छाया दान करना चाहिए। हर 3 महीने में एक बार आपको ये उपाय करना चाहिए, यानी 2020 में कुंभ राशि वाले जातक लोगों को 4 बार, हर 3 महीने में एक बार के हिसाब से 4 बार पूरे साल में आपको छायादान करना चाहिए। लाल रंग के तकिए का प्रयोग आपको करना अवॉइड करना चाहिए। स्नान घर में पौधे अगर आप रखते हैं तो उनको आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो हरे भरे हों, सूखे पौधे आपके बाथरूम में ना हों। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और उत्साह बढ़ेगा। तिल, उड़द, लोहा, तेल, काला वस्त्र और जूते आदि का दान आपको करना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, यात्रा होगी और नौकरी जिन लोगों के पास नहीं है उनके लिए नौकरी मिलने के योग भी इस साल बनते हैं। भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख बनेगा और पुराने अटके हुए कार्य इस साल में पूरे होंगे। नियम से भगवान भैरव की पूजा आराधना करना और कौओं के लिए खुले स्थान पर रोटियां रखना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है।
आपको कुछ चीजों का ध्यान भी रखना होगा। ध्यान ये रखना होगा कि जो भी पूजा पाठ आप करते हैं या अगर कोई माला किसी मंत्र का जाप वगैरह करते हैं तो जिस माला से आप मंत्र जाप करते हैं वो माला आपको पहननी नहीं होगी। बाकी लोगों को लाभ दे सकती है लेकिन आपके लिए खासतौर पर वो आपको अवॉइड करना होगा। अपने पास अपने वॉलेट वगैरह में, पर्स वगैरह में कोई धार्मिक चित्र ना रखें। अपने कमरे में सीमेंट की, लोहे की या किसी धातु की कोई भी देवी देवता की फोटो या मूर्ति आपको रखने से बचना चाहिए। अपने पार्टनर का सम्मान करें। लाल रंग के पिलो को आपको अपने सिर के आसपास रखने से बचना चाहिए। बाथरूम में हरे रंग के पौधे रखें। माथे पर भभूत आपको समय समय पर लगाते रहना चाहिए और चांदी के ग्लास में अगर पानी आप पियेंगे तो आपका भाग्य इससे मजबूत होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि लाल किताब का जो आपको वर्षफल प्राप्त हुआ कुंभ राशि वाले जातक लोगों को, वो निश्चित ही आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए दर्शक हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं, उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें 9818300146। ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए sharma.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।